हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज एकेडमी। आज का जो टॉपिक है वह वेस्टर्न एजुकेशन से रिलेटेड है। यह एजुकेशन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर मैं आपको रिकॉल कराना चाहूँगी कि इसके पहले जो वीडियोस बनाए हैं वे भी एजुकेशनल फ़िलॉसफी से रिलेटेड हैं, जो आपको चैनल पर मिल जाएंगे, जिनमें हमने एजुकेशन और फ़िलॉसफी के अर्थ, परिभाषा, प्रकृति, विशेषताएं, विषय क्षेत्र यानी स्कोप के संदर्भ में चर्चा की थी। इसके अतिरिक्त रिलेशन बिटवीन फ़िलॉसफी एंड एजुकेशन, मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्कोप ऑफ एजुकेशनल फ़िलॉसफी के रेफरेंस में भी डिस्कशन किया था। वे टॉपिक भी एजुकेशन की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं। आज के टॉपिक में सब्जेक्ट पर फोकस करने से पहले मैं आपसे कहूंगी कि प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड मोटिवेट चैनल फॉर न्यू अपडेट्स। इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। अपार्ट फ्रॉम दिस, यू आर मोस्ट वेलकम फॉर योर सजेशंस एंड कमेंट्स फॉर टीचिंग लर्निंग परस्पेक्टिव। स्टूडेंट्स, पश्चिमी शिक्षा के संदर्भ में यदि चर्चा करें कि पाश्चात्य संदर्भ में शिक्षा का जो कंसेप्ट है वो किस तरह रहा है, तो इस संदर्भ में मानव सभ्यता के विकास के उपलक्ष्य में मिश्र की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, या ये कहें कि मानव सभ्यता के विकास में मिश्र का स्थान महत्वपूर्ण है। आज से लगभग 5-6 हज़ार वर्ष पूर्व मिश्र में सभ्यता का विकास हुआ था, और मिश्र में सभ्यता, या ये कहें कि मिश्र की सभ्यता ने मानव सभ्यता को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यद्यपि मिश्र में उस समय सार्वजनिक शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी, किंतु राजा, पुजारी, उच्च शासकीय कर्मचारियों के लिए शिक्षा का प्रबंध यानी एजुकेशन के संदर्भ में सोचा समझा जाता था, और इसलिए उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था की जाती थी। मिश्र में ही सर्वप्रथम लिखने का आविष्कार किया गया, या ये कहें कि लेखन के महत्व को स्वीकृत किया गया। वहाँ के पुजारियों ने हाइरोग्लिप्स नामक लिपि का आविष्कार किया। आप अनुमान लगा सकते हैं कि आज से लगभग 5-6 हज़ार वर्ष पूर्व, जबकि विश्व के अनेक स्थानों में विकास की प्रक्रिया या मानव सभ्यता के विकास की प्रक्रिया चल रही थी, उस समय मिश्र में हाइरोग्लिप्स नामक स्क्रिप्ट का आविष्कार किया जा चुका था। मिश्र में शिक्षा की व्यवस्था कई प्रकार की थी। कुछ छात्र मिश्र के शिक्षकों के घर जाकर शिक्षा ग्रहण किया करते थे, जिनको कातिब कहा जाता था। यहाँ पर कातिब उस व्यक्ति को कहते हैं, दैट वन इज सेफ इन एज्यूमिंग दैट एवरी टेम्पल हैड इट्स स्कूल फॉर बॉयज। ये मंदिर विद्यालय कहलाते थे, जहाँ पुजारी लोग छात्रों को लिखना पढ़ना सिखाते थे। यह मान लेने में कोई हानि नहीं है, या इस तथ्य को इस तरह से समझा जा सकता है कि प्रत्येक मंदिर में एक विद्यालय था। कुछ दरबारी विद्यालय से संबंधित थे, यानी कोर्ट स्कूल से रिलेटेड थे, और जो बाद में संगठित हुए। कुछ विभाग विद्यालय थे, यानी डिपार्टमेंट स्कूल थे, जहां पर विभागीय कुशलताओं की शिक्षा दी जाती थी। मिस्र की जो एजुकेशन है वो मुख्यतः लिखने से संबंधित थी, और इस तथ्य का वहां के समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान था। नील नदी के आसपास या नील नदी के संबंध में चर्चा करें और मिश्र का नाम आए ना, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि नील नदी को ही मिश्र की सभ्यता के विकास का श्रेय जाता है। अतः ऐसा माना जाता है कि नील नदी के आसपास मिश्र की सभ्यता का उदय हुआ। दजला और फराज के मध्य मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित मानी जाती है, या ये कहें कि दजला और फराज के मध्य मेसोपोटामिया नाम का एक भूखंड था, जहाँ पर इराक और ईरान वर्तमान में स्थित हैं, और वहाँ पर उच्च कोटि की सभ्यता विकसित हुई। मेसोपोटामिया विभिन्न नगर राज्यों में विभक्त था, और प्रत्येक नगर राज्य का एक शासक पुरोहित होता था। मंदिर सांस्कृतिक जीवन का केंद्र थे, और यहीं पर शिक्षा की व्यवस्था संचालित की जाती थी। इन नगर राज्यों की संस्कृति सुमेरी संस्कृति और बेबीलोन की संस्कृति से संबंधित थी, या ये कहें कि वहाँ पर सुमेरी संस्कृति और बेबीलोन की जो संस्कृति है वो मुख्य मानी जाती थी। सुमेर जाति ने पकी हुई ईंटों पर लिखने का कार्य किया, और बेबीलोन में सभ्यता यानी सिविलाइजेशन के प्रथम स्कूल्स खोले गए। बेबीलोन के कातिब बड़े प्रसिद्ध और विद्वान थे, तथा जो स्टूडेंट्स होते थे उनको परिवार का सदस्य मानकर शिक्षा दिया करते थे। इसी तरह से पाश्चात्य जगत की शिक्षा के संदर्भ में यहूदी सिविलाइजेशन का भी स्पेसिफिक प्लेस है। यहूदी सिविलाइजेशन लगभग 2000 वर्ष ईसा पूर्व आंकी जाती है। प्रारंभ में ये खानाबदोश जीवन व्यतीत करते थे, किंतु बाद में लगभग 1500 वर्ष पूर्व वे फिलिस्तीन में आकर स्थायी रूप से रहने लगे, और फिलिस्तीन में डेविड
और सोलोमन नाम के प्रसिद्ध राजा हुए हैं जो 10वीं शताब्दी में या ये कहें कि 10वीं शताब्दी ईस्वी में उनके शासनकाल में एजुकेशन के संबंध में स्पेसिफिक डेवलपमेंट हुआ या ये कहें कि शिक्षा ने काफ़ी उन्नति की। यहूदी शिक्षा के संदर्भ में यदि चर्चा करें तो यहूदी शिक्षा के प्रथम चरण में व्यावसायिक प्रशिक्षण मुख्य माना जाता था और परिवार ही विद्यालय का केंद्र हुआ करते थे। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व आते आते यहूदी शिक्षा धार्मिक हो गई किंतु व्यावसायिक प्रशिक्षण भी चलता रहा। 6वीं शताब्दी में यहूदियों को बड़े संकटों का सामना करना पड़ा। बेबीलोन के राजा ने उन्हें पराजित करके लगभग 50 वर्षों तक बेबीलोन में बंदी बनाए रखा। बाद में उन्हें छोड़ दिया गया और इस प्रकार यहूदी जाति एक तरह से नष्ट होने के कगार पर आ गई और वे अपनी कल्चर के प्रिजर्वेशन के लिए यानी संस्कृति के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण प्रयास करने लगे, जिनमें सिनोगाग नामक विद्यालय की स्पेसिफिक भूमिका रही तथा सिनोगाग मूल रूप से उपासना से संबंधित केंद्र थे तथा धार्मिक शिक्षा से रिलेटेड थे और इनमें रट्टिफिकेशन यानी रटने पर या याद करने पर अधिक बल दिया जाता था। फिजिकल पनिशमेंट का भी विधान था। लड़कियों की शिक्षा में फैमिली की स्पेसिफिक भूमिका रहती थी या ये कहें कि गर्ल्स एजुकेशन में फैमिली मेन रोल प्ले करती थी और इस तरह से एजुकेशन के सिनेरियो में इन्होंने मुख्य भूमिका अदा की। इसके अतिरिक्त उच्च शिक्षा यानी हायर एजुकेशन के संबंध में भी धीरे धीरे जो विभिन्न प्रकार के इंस्टीट्यूशंस हैं वो एस्टेब्लिश किए जाने लगे तथा जो धार्मिक शिक्षा है वो जनरली निःशुल्क दी जाती थी या ये कहें कि वो बिना किसी तरह का शुल्क लिए ही दी जाती थी। यहूदी जाति ने अपने धर्म की रक्षा के लिए विद्यालयों को यानी स्कूल्स को स्पेसिफिक साधन माना या ये कहें कि धर्म की रक्षा स्कूलों के माध्यम से की गई। तभी से पश्चिमी संस्कृति में शिक्षा के साधन के रूप में विद्यालय का कंसेप्ट डेवलप होने लगा और विद्यालय को औपचारिक अभिकरण यानी स्कूल एज अ फॉर्मल एजेंसी माना जाने लगा। आई थिंक पाश्चात्य एजुकेशन के संबंध में या वेस्टर्न एजुकेशन के रिफ्रेंस में आपका जो कंसेप्ट है वो मिश्र से संबंधित तथा यहूदी सभ्यता से जो संबंधित जो टॉपिक है वो आप